차이는요? 안됐네요. हमारे एडवोकेट जी हैं मेरे, हम लोग सिविल क्रिमिनल दोनों केस फाइल कर रहे हैं। अदनान जी मेरे वकील है, आप वो बताएंगे आपको। क्या फाइल हुआ? हमने अभी एक डेफेमेशन सूट इनिशिएट कर दिया है। इसकी जो भी रिक्वायरमेंट थी कोर्ट रिलेटेड सारी हो चुकी है। राखी जी अभी अपना अपना एफर्मेशन भी करके आ गई हैं और हम केस कर रहे हैं। हम लोगों के मीडिया में बात नहीं कर रहे हैं, हम केस कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, मैं केस कर रही हूँ। मैंने तनुश्री दत्ता पर 54 का केस किया है, क्योंकि मैं बहुत प्रे करती हूँ, मैं परमेश्वर पिता में विश्वास करती हूँ और गॉड ने मुझे सपना दिखाया है कि बेटी की सज़ा माँ बाप को ना मिले। उनके माँ बाप इनोसेंट है और मैंने पहले 50 करोड़ का करने वाली थी, बट आगे शायद कर सकती हूँ। और तनुश्री दत्ता और बदतमीज़ अगर होगी तो, और अगर मुझे और गालियाँ देगी तो, क्योंकि उसने मुझे बहुत अब्यूज़ किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे ब्रेन की सर्जरी होनी चाहिए, मेरे ब्रेन की प्लास्टिक सर्जरी होनी चाहिए। मैं गिरी हुई हूँ, मैं लोअर क्लास हूँ, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा घटिया बोला, मेरी माँ की कोख को गलत कहा तनुश्री दत्ता ने। आप सबके पास मैसेज पहुँचे हुए हैं और फ़ोन करके उनके लोगों से धमकियाँ भी दिलाई है, और मैंने आज उसकी जो औकात है वो उसे दिखाई है कोर्ट में आकर। पहली बार मैंने उस पर 54 का केस किया है। 54 का ही क्यों? लेकिन जी 54 का ही केस, वो 54 का इसलिए क्योंकि वो उनकी उतनी ही औकात है। ओके, एक मिनट। और ये सारे पेपर्स हैं, आप देख सकते हैं, क्रिमिनल और सिविल। ये सिविल है और ये क्रिमिनल तैयार। आप देखिए तो उन्होंने क्या, तनुश्री दत्ता ने कहा इट्स बैक राखी सावंत, आज देखिए आप। ओके मैम, राखी मैम, एक मराठी मराठी में, एक पहले हिंदी में होने दो यार। हाँ हिंदी में होने दो। क्वेश्चन क्या लगता है कि ये करने के बाद तनुश्री आपको क्या रिस्पॉन्स? देखिए वो तो गिद्दड़ भपकियां दे रही थी, 10 करोड़ का केस किया है राखी पे, अभी तक कोई केस कहीं गया नहीं है एडवोकेट के पास, या किसी ने कोई मुझ पे केस किया नहीं। अगर वो केस करेंगे तो मैं पूरा जज के पास जाऊंगी, मैं कोर्ट में जाऊंगी, और मैंने तो कुछ किया नहीं है। और फर्स्ट ऑफ ऑल उसने मुझे बहुत अब्यूज़ किया है, 12 साल पहले मेरा रेप भी किया है, तो मेरे पास सारे एविडेंस प्रूफ है। और मेरे एडवोकेट अदनान जी हैं और भी मेरे एडवोकेट्स हैं, और मैं हर कोर्ट मुझे हिंदुस्तान के लॉ कोर्ट पुलिस सबसे बहुत उम्मीद है। मैं विश्वास रखती हूँ कि मुझे पूरा न्याय मिलेगा, क्योंकि हर कोई मीडिया में जाता है, मैं मीडिया में नहीं आई हूँ, मैं गिदड़ भपकियाँ नहीं दी है, मैंने धमकियाँ नहीं दी है, मैं कोर्ट में आई हूँ, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, और मैं कोर्ट से गुहार करती हूँ, इंडियन पैनल
लॉ से कोर्ट से कि राखी सावंत को न्याय मिले, मुझे न्याय मिले। और सब कहते हैं कि एक महिला कैसे रेप कर सकती है, तो वो जज साहब डिसाइड करेंगे और वही डिसाइड करेंगे कैसे। मैं सारे प्रूफ दूंगी उन्हें, और उन्होंने मुझे बहुत ही एलिगेशन लगाए हैं मुझ पर, और काफ़ी मुझे मेरे इमेज को बदनाम करने की कोशिश की है। देखिए, इस तरफ तो अभी फ़िलहाल मैं अकेले लड़ रही हूँ पूरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से। पूरा आधा से ज़्यादा हिंदुस्तान और पूरी मीडिया तनुश्री दत्ता को सपोर्ट कर रही है, इसीलिए हैश मी टू को बढ़ाना चाह रही है। इसीलिए क्योंकि हैश मी टू बिना वजह का एक गंदगी है, अमेरिका से आई हुई एक गंदगी है जो हमारी बॉलीवुड को और हिंदुस्तान को ख़राब करना चाहती है। और आप देख रहे हैं अनु मलिक जी पर कितना गलत केस डाला गया, आलोक नाथ जी पर और बहुत सारे और आर्टिस्टों पर बहुत गलत केस डाला गया जिसका कोई हाथ और पैर नहीं है, कोई प्रूफ है नहीं, और बहुत ही गलत केस डाले गए। और मुझे ये कहना है कि वो इसलिए मी टू को प्रमोट कर रहे ताकि इससे बॉलीवुड बदनाम तो हो ही रहा है, मतलब मीडिया वालों को। मैं कभी मीडिया के खिलाफ नहीं जाती हूँ, लेकिन आज पहली बार बोल रही हूँ ताकि पब्लिसिटी मिल रही है, GRP TRP हाई हो रही है, इसलिए इसको बढ़ाया जा रहा है। औरतों के लिए कानून बने हैं, उनकी मर्यादा के लिए कानून बने हैं, लेकिन औरतों को उस कानून का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं विश्वास करती हूँ हिंदुस्तान के लॉ से, कानून से, कि मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। जब फाइल करेंगे तब देखेंगे। अभी तक फाइल नहीं किया है तनुश्री ने कोई केस, ये सिर्फ मुझे डराया जा रहा है लिटरली, और मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं तनुश्री, तुम 10 करोड़ का करो केस या 50 करोड़ का करो, मुझ पर मेरी तो वैल्यू है उतनी, और तुमने उतना का केस करो, तुम्हारी वैल्यू सिर्फ 54 की है, तो इसलिए मैंने तुम पे 54 का केस किया है।